आप कभी कर्नाटक के हम्पी घूम के आए हैं? नहीं तो चलिए आज आपको मैं घुमाती हूँ, मैं आपको हम्पी का एक महल दिखाऊंगी। अरे नहीं, एक्चुअली मैं ये महल जैसा दिखने वाला महल नहीं है, ये एक रिसॉर्ट है, एक होटल है। ये महल जैसा दिखने वाला रिसॉर्ट घुमाने वाली हूँ, लेकिन पहले आप इसकी एक झलक तो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको इस महल जैसे रिसॉर्ट के बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब ये कोई रिसॉर्ट या होटल नहीं है, पूरा का पूरा महल ही है। आपको ना जब आप यहाँ रुकेंगे तो आपको एक बिल्कुल महल वाली फीलिंग आएगी। यस, महल वाली, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, आप सारी होटल्स को भूल ही जाएंगे। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे कि बस हम किसी सदियों पुरानी परंपरा में पहुँच गए। इतना शानदार अनुभव मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो आप पानी से भरे हुए तालाब, ये ग्रीनरी और ये क्या शानदार स्ट्रक्चर जो हमारी संस्कृति की देन है। हमारी यहाँ पे बिल्कुल आपको साक्षात हमारी संस्कृति के दर्शन होंगे, हमारी परंपराओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा और आपको एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि वाह 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 वाह। आप कहेंगे कि क्या 5 स्टार और क्या 7 स्टार, बस होटल हो तो ऐसी हो, महल हो तो ऐसा हो। आपको इतनी खुशी होगी इसको देख के और आप इतना प्राउड फील करेंगे हमारे कल्चर पे, हमारे इंडियन कल्चर पे, कि क्या लोग थे जो हमें ऐसी खूबसूरत और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के देके गए, इतनी खूबसूरती हमें देके गए। ये खूबसूरत सा कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं ना, ये सच में रियल में देखने में इतना खूबसूरत, इतना शांत है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने, दूर दूर से, ये देखिए ये खड़े हैं टूरिस्ट, मतलब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने और इतना अच्छा फील करते हैं ना। एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो आपका जाने का मन ही नहीं होगा। अब ये देखिए कितनी शानदार, कितना एंटिक पीस है गाड़ी का, ये जो इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे शो पीस के लिए, देखिए आप कितना एंटिक पीस है, देखिए मतलब आपको ही लगेगा कि बस सारे एंटिक चीज़ें तो यहीं पे है। आप बस यहाँ की खूबसूरती को निहारते जाइए, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए बस। अगर मैं इस पूरी होटल का अच्छे से स्लो मोशन में वीडियो बनाती ना, पूरा तरीके से आपको एक्सप्लेन करती, तो शायद ये वीडियो में भी 8-10 घंटे का या उससे भी ज़्यादा का हो सकता था। बट क्योंकि मैं जल्दी में थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी में इनका कुछ तो आपको एटलीस्ट दिखा दूँ। तो मैंने कुछ पार्ट्स के वीडियो शूट किए, बस आप मज़े लेते जाइए, देखते जाइए कि कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। मतलब हम आजकल के नए स्ट्रक्चर्स पे मरे जाते हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि हमारे 100-100 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी जो धरोहर हैं वो कितनी शानदार हैं, प्राउड करने वाली हैं। और मतलब हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, अपनी 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 धरोहर पर हमें प्राउड करना चाहिए। एक बार एटलीस्ट हमें ज़रूर घूम के आना चाहिए ऐसी जगहों पर जो हमारे हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, जो हमें हमारे लोग दे के गए, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे राजा महाराजा हमें दे के गए हैं। बाकी सब तो है ही, पर आप यहाँ का वॉशरूम देखिए, आइए मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाती हूँ, चलते हैं। ये देखिए अभी हमें एंटर करेंगे, ये देखिए ये यहाँ का वॉशरूम है। कसम से आपको फ़ोन में इतनी क्लीनलीनेस महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन इतना साफ़ सुथरा, इतना साफ़ सुथरा, इतना खूबसूरत डेकोरेटेड है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि आपको वॉशरूम जैसा नहीं लगेगा, बेडरूम जैसा लगेगा। और देखिए इधर, मतलब इसका पूरा वो देखिए आप, इंटीरियर देखिए पूरा, मतलब कितना शानदार, इधर से खुला, इधर से आप आसमान भी देख सकते हैं, ऊपर से भी पूरा खुला हुआ है। ये देखिए आया मज़ा, अच्छा लगा। मतलब पहले के जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते थे ना, घरों के, महलों के, किसी भी चीज़ के, वो कुछ इस तरह से बनते थे, खुले खुले, जहाँ से धूप आए, हवा पास हो, फ्रेश एयर मिले। अब ये देखिए तालाब को देखिए, कितने कमल यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने कमल के पौधे हैं यहाँ पे। टाइम टाइम पे जब कमल खिलते हैं तो पूरा कमल से भरा हुआ होता है तालाब, ऐसा हमें बताया गया है। इस टाइम ज़्यादा कमल तो नहीं खिले लेकिन उसके पौधे काफ़ी। अब ये देखिए अंदर का पूरा कॉरिडोर मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आज के टाइम में बनाने में तो मतलब कितना खर्चा और कितनी मेहनत लगती है, फिर भी वो मज़ा नहीं आता जो अभी इस वक्त इसको देखने में आ रहा है मज़ा। मतलब एक होता है ना, एक प्योर 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 कल्चर फील हो रहा है कि अब देखिए मैं आपको यहाँ पे घुमाने लाई हूँ। यहाँ पे इतनी एंटिक चीज़ें हैं, इतनी एंटिक चीज़ें कि आप बस देखते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पे सारे आपको हिस्टोरिकल कल्चरल एंटिक चीज़ें मिलेगी देखने के लिए, जैसे ये भैया आपको दिखा रहे हैं, ये देखते, ये पेंटिंग्स हैं ये सब, ये देखिए सब पेंटिंग्स है। और ये देखिए ये
ये भैया और भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई, लेकिन मैंने वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो और जल्दी जल्दी आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या है। ये देखिए ये मोर की पेंटिंग, ये देखिए कुछ यूनिक सी पेंटिंग्स जो मतलब आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वुडन के ऊपर ये देखिए ट्रे, ये देखिए ये वुडन ट्रेस विद पेंटिंग, पारंपरिक पेंटिंग्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, कुछ एंटिक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जाएंगे तो सिर्फ आपको रुकने और रहने का मज़ा नहीं मिलेगा, आपको कुछ एंटिक चीज़ें खरीदने का भी मज़ा मिलेगा। ये देखिए ये कुछ मतलब कुछ एंटिक पीस हर जगह नहीं मिलेंगे, ये बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं सब कुछ। ये मतलब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से ना लेके कहीं और से ढूंढ लूँगा ले लूँगा लिया ले लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको यहाँ मिलेगा वो सिर्फ यहीं मिलेगा। ये देखते जाइए परफ्यूम्स हैं, इनकी स्मेल इतनी अच्छी थी ना, जो हम मार्केट से आज ब्रांडेड परफ्यूम्स खरीदते हैं ना उससे तो कई ज़्यादा अलग, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आप फूलों के बगीचे में बैठे हुए हैं। जब आप ये परफ्यूम हाथ पे लगा के सूंघेंगे ना तो आपको एक फूलों के बगीचे वाली महक आएगी। जैसे हम किसी गुलाब के बगीचे में तो वहाँ पे कैसे गुलाब की खुशबू महकेगी, या किसी और फूल के बगीचे में चले जाएं तो वहाँ पे कैसी प्योर प्योर वाली खुशबू होगी ना, बस वैसी स्मेल इनके अंदर थी। ये देखिए कुछ बर्तन हैं, ये आइटम है एंटिक तरीके के, और ये दिखाते जा रहे हैं बस, ये आप देखते जाइए। ये देखिए कुछ ये अलग तरह के कुछ आइटम्स हैं इनके पास, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ हेल्दी स्टफ़ और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो सब सब हब्स के हब से बनी हुई हैं। ये देखिए कितना प्यारा, कितनी प्यारी बर्ड्स है, ये कितनी प्यारी बर्ड है। एंड ये देखिए ये एक कुछ एंटिक फ़ोटोग्राफी, कुछ अलग तरीके की पेंटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, एंटिक तरीके के कपड़े, कुछ जो मतलब कॉमनली कहीं और नहीं मिलेंगे, एक अलग तरीके का कपड़ा अलग तरीके से बना हुआ एकदम देसी स्टाइल वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको मज़ा ही आ जाएगा अपने कल्चर पे, आप बिल्कुल प्राउड फील करेंगे। एक साधारण सा माहौल, साधारण सी चीज़ें दिखने वाली लेकिन फिर भी एंटिक है, सब कुछ साधारण लेकिन बस ऐसे लगेगा कि ज़िंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए, इतनी सिंपल, जिनको सिंपल ज़िंदगी जीना पसंद है। बाकी आप देखते जाइए कितने सुंदर सुंदर आइटम हैं, मतलब आप घर में इन्हें इंटीरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे, कितने प्यारे, मतलब कितना प्यारा मोर है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ें हैं, मतलब मैं तो देख देख के ही थक गई थी। मैं तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ लेकिन इतने आइटम थे कि मैं देख देख के थक गई थी। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन इतने सारे थे कि इतना टाइम लग गया इन चीज़ों को देखने में, इसलिए मुझे थोड़ी थकान हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये सब कुछ दिखाया एक शॉर्ट वीडियो में, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि आप लोग ना थकें ज़्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से। देखते जाइए कैसी कैसी एंटिक चीज़ें हैं ये। सॉरी मेरे मुँह से कुछ गलत प्रोनाउंस हो जाए तो, क्योंकि मैं बहुत वीडियो के साथ जल्दी जल्दी में मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप बस देखते जाइए। ये देखिए ये कुछ अलग ही चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आई और मैंने पूछा भी नहीं जल्दी में कि क्या है, लेकिन कुछ तो था। अब देखिए ये देखिए हम बाहर आ गए अभी, बाहर आप देखते जाइए, यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं। बाकी आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ ये सब स्ट्रक्चर्स, इसका पूरा का पूरा कैंपस कैसा है। ये देखिए कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।